हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ वाले मखाने, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को ये दे सकते हैं। बच्चों को वैसे भी कुछ ना कुछ स्नैक्स खाना पसंद होता है, तो उन्हें बाहर का क्यों खिलाना, घर का ही हेल्दी स्नैक्स दिया जाए जिससे कि वो बड़े चाव से खाए जाए। और मखाना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो गैस पर हमने यहाँ पे एक पैन रख लिया है। 2 चम्मच हम यहाँ पे देसी घी डाल लेंगे और घी को हम अच्छे से पिघलने देंगे। जब घी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे 1 बोल मखाना डाल लेंगे। मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, प्रोटीन के बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसमें फाइबर होता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बढ़ते बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वज़न कम करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, बड़े भी इसे खा सकते हैं। मखाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके बाद देखिए धीमी धीमी आंच में हम इसे रोस्ट करेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट हमें इसे रोस्ट करना है। ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और चम्मच से भी आप चलाते रहे ताकि ये जले ना। और मखाने खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे भी बच्चों को बाहर के चिप्स, कुरकुरे, नमकीन खाने हर वक्त पसंद रहते ही हैं, तो आप उन्हें घर पे ही हेल्दी खाना खाने की आदत डालें और इस तरीके से मखाने उनके लिए बना के रख दें, एयरटाइट कंटेनर में रख दें, वो बड़े शौक से खा लेंगे। और वैसे मैं गुड़ वाले मखाने आज बना रही हूँ, वैसे ये नमकीन चटपटे मखाने भी आप बना सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी कि हम नमकीन मखाने किस तरीके से बनाएं, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए इनका कलर हल्के हल्के चेंज होने लग गया है और आप इस तरीके से हल्के हल्के उन्हें उलट पुलट कर ले ताकि नीचे से अच्छे से सब जगह से ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो देखिए हाथ में आप इस तरीके से अगर फोड़ेंगे तो ये एकदम से टूट जाएंगे, तो इसका मतलब ये रोस्ट बहुत अच्छे से हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी पैन में थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डाल लेंगे, 1/2 कप से भी कम मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और थोड़ा हम यहाँ पे गुड़ डाल लेंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक हमें पकाना है। बहुत जल्दी गुड़ मेल्ट हो जाएगा, लेकिन लगातार चम्मच से ज़रूर चलाते रहे ताकि गुड़ जले ना। और मेल्ट होने के बाद 2 मिनट गुड़ को और पकाइए। उसके बाद देखिए उसमें हम यहाँ पे भुने हुए मखाने डाल लेंगे और मखाने को हम यहाँ पे गुड़ के संग पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमा ही रखना है, शुरू से लास्ट तक हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। इसी में हम रेसिपी बनाएंगे। आप चाहे तो, अगर वैसे मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, अपने बेबी के लिए, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं और नारियल का बुरादा आप इसमें डाल सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा टेस्ट लगे। लेकिन मैं छोटे बेबी के लिए बना रही हूँ और छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। 6 महीने के बाद आप बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप उन्हें पाउडर के फॉर्म में दे, उन्हें खीर बना के दे सकते हैं मखाने की। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, प्रोटीन बच्चों के लिए आपको पता है कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। मखाने आप ज़रूर खिलाएं, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जो बच्चों के दांत आ चुके हैं वो बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे, तो मेरी बेबी के दांत आ गए हैं, वो बहुत शौक से खा लेती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप घर की बच्चों को शुरू से ही हेल्दी हेल्दी खाने की आदत ज़रूर डालें। तो देखिए हमारे मखाने अच्छे से बन गए, हमने निकाल लिए हैं और गुड़ में चिपकते भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गैस पर नहीं पकाया। आपको भी गैस पर बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, बस इतना ही पकाना है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रंची बन के तैयार हो गए हैं। और देखिए मेरी बेबी कितने शौक से खा लेती है, वो 1 साल की हो गई है और मैं 1 दिन में उसको 5-6 मखाने देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो देखिए वो बहुत शौक से खाती है, उसे बहुत पसंद है क्योंकि उसके दांत आ चुके हैं, तो वो इसे आराम से खा लेती है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।